आज हम सेवेंथ क्लास की एक्सरसाइज 8G और 8G में आपकी पहली सर्वसम का है a प्लस बी। सबसे पहले सर्वसम का हमको समझना है, सर्वसम का a प्लस बी और a माइनस बी बराबर e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसम का की सहायता से आपको सवाल सॉल्व करना है। a प्लस बी a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर पहले पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। इस सर्वसम्मता की सहायता से हमें एक्सरसाइज आज के भी का जो करना है, जिसका पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल पांच प्लस एक्स पांच माइनस एक्स, पांच प्लस एक्स पांच माइनस एक्स, तो सीधे सवाल आपने नोट कर लिया। अब इसका सर्वसम का लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसम का लिख दिया। अब देखो पांच प्लस एक्स पांच माइनस एक्स बराबर, देखो ए के स्थान पर पांच, बी के स्थान पर एक्स, ए के स्थान पर पांच, बी के स्थान पर एक्स, तो ए के स्थान पर क्या लिखना है पांच और बी की जगह पे एक्स। यहाँ पर हो जाएगा पांच का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बराबर पांच का वर्ग पच्चीस, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर। ये हमारा गुणनफल निकल आया, किसका पांच प्लस एक्स और पांच माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो पच्चीस माइनस एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में कह रहा है कि y प्लस चार वाई माइनस चार, वाई प्लस चार और y माइनस चार। सबसे पहले सर्वसम का लिखोगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y प्लस चार और y माइनस चार बराबर y का होल स्क्वायर माइनस चार का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस चार का को 16। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, तीसरे में दिया गया है दो एक्स प्लस तीन दो एक्स माइनस तीन, दो एक्स प्लस तीन दो एक्स माइनस तीन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा दो एक्स प्लस तीन और दो एक्स माइनस तीन, तो ए के स्थान पर है दो एक्स, तो ये दो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी के स्थान पर है तीन, ये तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दो दूनी चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन का नौ, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर चौथा, चौथे नंबर में कह रहा है कि तीन एक्स प्लस चार वाई और तीन एक्स माइनस चार वाई, तीन एक्स प्लस चार वाई और तीन एक्स माइनस चार वाई, इसको सर्वसम का की सहायता से तोड़ना है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तीन एक्स प्लस चार वाई तीन एक्स माइनस चार वाई बराबर तीन एक्स का होल स्क्वायर माइनस चार वाई का होल स्क्वायर, तो तीन त्रिका नौ एक्स स्क्वायर माइनस चार को तो सोलह वाई स्क्वायर। ये हमारे सर्वसम्मता का आंसर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर पांचवा, पांचवे में कह रहा है कि सर्वसम्मता का प्रयोग कर, सर्वसम्मता का प्रयोग कर चार एक्स प्लस दो वाई और चार एक्स माइनस दो वाई का मान ज्ञात कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए यदि एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक है। तो यहाँ पर चार एक्स प्लस दो वाई, चार एक्स प्लस दो वाई और चार एक्स माइनस दो वाई को सर्वसम्मता की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस
चार एक्स माइनस दो वाई बराबर चार एक्स का होल स्क्वायर माइनस दो वाई का होल स्क्वायर। पकड़ बच्चों, यहाँ पर चार का वर्ग चार चौके सोलह एक्स स्क्वायर और दो का वर्ग दो दूनी चार वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, तो सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार वाई स्क्वायर, ये चार एक्स स्क्वायर दो वाई और चार एक्स माइनस दो वाई का आंसर आ गया, गुणनफल आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि x बराबर दो और y बराबर एक, x बराबर दो है और y बराबर एक है, ये उसका मान ज्ञात करना है। यहां पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो 16 इंटू दो का होल स्क्वायर 4 इंटू एक का होल स्क्वायर, तो 16 इंटू दो दूनी चार 4 इंटू ए 16 चौक 64 माइनस 4 बराबर 7, इस तरह मान लिया गया। पिछला सवाल नंबर छठवां नंबर। अब छठवें नंबर पे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है, चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत की लंबाई है 2x प्लस 1, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है 2x माइनस 1, ये लंबाई चौड़ाई हो गई इतने वर्ग मीटर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अब इसको समता में रखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x प्लस 1 2x माइनस 1 बराबर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 1 वर्ग मीटर की आयत का क्षेत्रफल आता है। अब इसमें से सवाल नंबर है सातवां, कह रहा है एक पुस्तक का मूल 3x प्लस 1 रुपये है, तो 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल, सवाल नंबर सात में है, एक पुस्तक का मूल मूल बराबर 3x प्लस 1 रुपये है, तो 3x माइनस 1 पुस्तक का मूल मूल हो जाएगा 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1 रुपये। यहाँ पर सरलता बन जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3x प्लस 1 3x माइनस 1 बराबर 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्रकार 9x स्क्वायर माइनस 1, कितने रुपये पुस्तक का मूल आ गया, ये नंबर हो गया पहला। इसके बाद इसका दूसरा नंबर कह रहा है यदि x बराबर 4 है, यदि x बराबर 4 यदि x बराबर 4 है तो 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इंटू 4 का 16 माइनस 1 144 माइनस 1 बराबर 143 रुपये, 143 रुपये उन पुस्तकों का मूल आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल आपका आठवां है। देखिए बेटा यहाँ पर जो आपने सवाल लगाया है, यहाँ पर ये हमारा पहला आंसर आया है x बराबर 4 रखने पर, ये पहला वाला आंसर था, ये तीसरा वाला आंसर आ गया। एक और रखना है मान x बराबर 3, यदि x बराबर 3 है, ये आप किसी के नंबर को दे रखता है, तो x बराबर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1, तो 9 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 9 इंटू 9 माइनस 1 81 माइनस 1 बराबर 80 रुपये, इसके दो आंसर आएंगे। जब x बराबर 3 रखोगे तो 80 रुपये आएगा और जब x बराबर 4 रखोगे तो 143 रुपये आएगा।
इसके बाद सवाल नंबर 8 कह रहा है सर्वसमका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, ठीक है, सर्वसमका लगानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो तोड़ो, क्या तोड़ोगे, 153 का स्क्वायर है और माइनस 147 का स्क्वायर है, यानी कि ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, फार्मूला उल्टा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर बराबर 153 प्लस 147 और 153 माइनस 147, तो ये टोटल हो जाएगा 300 और इसको इससे घटाओगे तो 53 में से 47 चले जाएंगे तो बचेगा 6 और 6 तक का कितना हो जाएगा 1800। इसका सवाल नंबर 9 में कह रहा है 12.1 का होल स्क्वायर, 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर, 12.1 का होल स्क्वायर 7.9 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 12.1 का होल स्क्वायर 7.9 का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर 12.1 है, बी के स्थान पर कितना है 7.9, तो यहाँ पर 12.1 प्लस 7.9 और 12.1 माइनस 7.9, इनको जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 और 20 हो जाएगा, इनटू इसको घटाएंगे 11 में से 9 है, यहाँ पर हो जाएंगे 11 में से 9 है 2, यहाँ पर 11 में 7 है 4.2 बराबर 0, 4, 8 ये आपका आ जाएगा 84, ठीक है, तो 84 आपका आंसर है। इसके बाद इसका अंतिम सवाल है 10वें में कह रहा है कि 983 का होल स्क्वायर, 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी, तो 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर बराबर 983 प्लस 17, 983 माइनस 17, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1000 और यहाँ पर इसको 983 से 17 घटाएंगे तो 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर बचा 7 में से 1 गया 6, ये हो जाएंगे 966, और 966 में 1000 का गुणा करोगे तो 966/0 ये हमारे इनका गुणनफल आ जाएगा, और इनका गुणनफल जो है उसको हमने सर्वसमका की सहायता से पूछा गया था, तो सर्वसमका की सहायता से हमने इन तीनों सवालों का गुणनफल निकाल लिया।